जय श्री महाकाल। आप और हम सब कभी न कभी जीवन में घर बनाते हैं और भवन बनाते हैं, तो संभवतः हम उसमें वास्तु से संबंधित दोष का निवारण करते हैं, परंतु ना चाहते हुए भी हमारे भवन में कभी कभी कोई दोष रह जाता है। तो आज मैं उसी विषय पर आपसे बात करूंगा। हमारे भवन में या हमारे बेडरूम में, स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे पास घर होगा तो हमारा अपना बेडरूम भी होगा, तो हमारे अपने बेडरूम में किस दिशा में दोष हो जाता है, तो उस दोष का हमारी संतान के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर बात करेंगे। यदि कोई दोष पूर्व और उत्तर की दिशा में हो रहा है, तो पूर्व और उत्तर की दिशा में होने वाला दोष घर की प्रथम संतान को मानसिक रोगी बना देता है। स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, मानसिक अस्थिरता होती है और निरंतर घर की प्रथम संतान पुत्र हो या पुत्री हमेशा रोग से ग्रसित बनी रहती है।